नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से निकलकर आ रही है जनपद हाथरस से। जनपद हाथरस के कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी को बर्बाद करने वाले व बहुजन समाज पार्टी की टिकट बेचने वाले मुख्य सेक्टर परिवारियों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। वो कैसे और क्यों, आज की इस वीडियो में पूरा मामला विस्तार समझाएंगे। प्रूफ के साथ हम आपको पूरा मामला, पूरी खबर विस्तार समझाएंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर, बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी तक अवश्य पहुंचाएं। साथियों, अब हम आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हो रहे हैं पंचायत चुनाव और जनपद हाथरस से इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर निकलकर आती है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता ही है, बीते दिनों जनपद हाथरस में 3 दिन में 3 जिला अध्यक्ष बदले गए। सबसे पहले जो जिला अध्यक्ष थे वो थे बनी सिंह जाटव। बनी सिंह जाटव को जैसे ही हटा गया, वैसे ही कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। आक्रोश बनी सिंह जाटव के हटाने के बाद वो मुख्य सेक्टर प्रभारी, जो कि आगरा अलीगढ़ के मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, सूरज सिंह पर बहुत ही ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। अगर वो सूरज सिंह जनपद हाथरस की धरती पर आते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, ये कार्यकर्ताओं ने बयान दिया है। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश है। कार्यकर्ताओं को टॉर्चर भी किया जाता था मुख्य सेक्टर प्रभारियों द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है जो कि जनपद हाथरस के कार्यकर्ता बंटी भैया और मुख्य सेक्टर प्रभारी आगरा अलीगढ़ के सूरज सिंह के बीच की वो कॉल रिकॉर्डिंग है। उसमें क्या कुछ हुआ है उसको सुनने के बाद आप पूरा मामला विस्तार से समझ ही जाओगे और हम आपको एक और वीडियो भी दिखाएंगे। सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। हाँ बंटी भाई, क्या कनेटा को गिरा के मारेंगे, कहाँ जा बताइए। मेरी बात सुनो, हमारा तुम्हारे छोटे बड़े भाई का रिश्ता, ये कनेटा क्यों बोला। अरे नहीं कोई बात नहीं भाई, हम आगे तुम जाओ। नहीं, हम हाथरस की राजनीति में आप कुछ भी कहते, मुझे सब मंजूर थी, मैं कुछ भी कहता। कनेटा क्यों बोला, कोई बात सुनो, कोई बात नहीं, मैंने वो यहाँ से भेज दिए, तुम आ जाओ। नहीं मैं नहीं आऊंगा, हम तो अपने लोगों को बुला रहे हो, सबके पैसे वापस करो, हम तो नहीं लाएंगे। कोई बात नहीं, सुनो, मेरी बनी सिंह से बात करा दी। कोई बात नहीं, आपसे होगी इस्तीफा, हम सब लोगों का पूरी फॉर्म इकट्ठी हो रही है, अभी सब आते हैं, हमने फोन कर दिए। और आप वो ठीक है, तुम आप आइए, आपस में आइए। बंटी भाई साहब, अरे आपने मुझे मान हानि का मुकदमा और आपके खिलाफ 307 का मुकदमा। सुन तो मैं पहले, अब नहीं सुन रहे, आपने इतना टॉर्चर किया मुझको, झूठ बोलते आप पल पल पर चुनाव लड़ेगा, मेरी टिकट काटने वाले आप टमाटर छोड़ के। अरे चुनाव में तुम्हें लड़ाई रहे, तुम बेकार बात करो, तुमसे क्या बात हुई, लड़ा तो रहे थे तुम्हें। अरे मैं नहीं लड़ा रहे, आप हमने तो देख लिया। और किसको लड़ा रहे हूँ, आप तो रुको, जाके लिस्ट जारी करेंगे, ये साले जो बना रहे हैं वहाँ चोर फर्जी लाके और गाते। नहीं नहीं सुनो, आपको तो घुमरा किया ना सालों में गद्दारों ने, अब जाके आप जरूर जारी करेंगे। अरे मेरी बात सुनो, आप जरूर जारी करेंगे। बंटी नहीं भाई साहब, कुछ नहीं, बहुत सुनो ना, आप छोटे भाई हैं, कनेटा कैसे बोला। अरे मैं बड़ा हूँ तो मैं डांट नहीं सकता तुम्हें, आप कुछ भी करते हैं, आपके लिए जो छूट है किसी और। अब तुम आ जाओ, मुझे छूटे तो आ जाओ फिर। नहीं हम नहीं आएंगे भाई साहब, महेश कुछ बोला, सुनो तुम्हें मेरी कसम है, तुम आ जाओ। तुम्हें बड़ा भाई मानता था, आपसे निकाल दिया दिल में, मेरे जगह नहीं रह बची। साथियों, आपने ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, ये कॉल रिकॉर्डिंग है बहुजन समाज पार्टी आगरा अलीगढ़ के मुख्य सेक्टर परिवारी सूरज सिंह और बहुजन समाज पार्टी के जनपद हाथरस से कार्यकर्ता बंटी भैया की। साथियों, इसमें साफ साफ जो भी बात हुई आप उनको सुनने के बाद ये समझ ही जाओ किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कुछ मुख्य सेक्टर प्रभारियों द्वारा कार्यकर्ताओं को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है टिकट के नाम पर। साथियों, इसी बीच मुख्य सेक्टर प्रभारी सूरज सिंह की एक वीडियो भी वायरल होती है जो कि आप लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी सूरज सिंह अपनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई की मोटी रकम अपने हाथों से गिनते नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। आप लगातार देख पा रहे होंगे किस तरीके से अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई को गिन रहे हैं मुख्य सेक्टर प्रभारी बहुजन समाज पार्टी से।
आगरा अलीगढ़ के मुख्य सेक्टर प्रभारी सूरज सिंह अपनी मेहनत की कमाई को किस तरीके से गिन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शांति से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से गिन रहे हैं, क्योंकि ये उनकी मेहनत की कमाई है। साथियों, हम ये नहीं कह रहे कि ये मेहनत की कमाई, ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता व पहचान बनाने वाले व्यक्तियों की मेहनत की कमाई है, ना कि बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारियों की। और ये उनके हाथों में इसीलिए चली गई क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव और पहले चरण में जो चुनाव हुए थे जनपद हाथरस में हुए थे, तो सबसे पहले जनपद हाथरस से ही बड़ी खबर निकल कर आई है। साथियों, कई जगह बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारियों को अपमानित भी कर दिया गया, पिटाई भी कर दी गई है कार्यकर्ताओं द्वारा। ये सही या गलत वो आप कमेंट में बताएं। बहुजन समाज पार्टी किसी की जागरण नहीं है, बहुजन समाज पार्टी मानव साहब कांशीराम जी के द्वारा देखा गया सपना, बहुजन समाज के व्यक्तियों के हित में फैसला लेने वाली बहुजन समाज पार्टी है। तो साथ ही इसको बर्बाद होते कोई भी कार्यकर्ता नहीं देख सकता, इसीलिए कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्य सेक्टर प्रभारियों का खुल के विरोध कर रहे हैं। तो साथ ही ये आप कमेंट में अवश्य बताना, ये विरोध सही हो रहा है या गलत। साथ ही जो भी ऑडियो है, जो भी वीडियो है, वो हमें खुद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, वो बंटी भैया हैं, उन्होंने भेजी है। उन्होंने जिस तरीके से जो बोला है, यही बोला है कि मुख्य सेक्टर प्रभारी पर यही आरोप लगाया है, क्योंकि मोटी रकम लेकर जो मेहनत कश लोग हैं उनको टिकट नहीं दी जाती, जो मोटी रकम लेकर, जो पूंजीपति जो लोग हैं वो मोटी रकम लेकर जो कोई मुख्य सेक्टर प्रभारी सूरज सिंह के पास जो पहुंच जाता है उनको टिकट मिल जाती है। वैसे कि जैसा कि आप सभी को पता ही, जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें कार्यकर्ता गरीब व्यक्तियों को टिकट देकर चुनाव लड़ाने का मौका मिलना चाहिए था, वही काम मान्यवर साहब कांशीराम जी करते थे, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी करती थी। जब से जो नेता बने हैं, मुख्य सेक्टर प्रभारी बने हैं, तब से बहुजन समाज पार्टी विकास करना ही बंद कर दी है, बहुजन समाज पार्टी नीचे ही चलती गई है। साथियों, अगर मेहनत कश पहचान रखने वाले व्यक्तियों को अगर टिकट मिलती तो बहुजन समाज पार्टी जनपद हाथरस में बहुत ही ज़्यादा 15+ सीट जीतती, जो कि लगातार कई जो चुनाव नहीं तो उससे पहले कई बार ऐलान हो गया था कार्यकर्ताओं द्वारा बहुजन समाज पार्टी 15+ रहेगी जनपद हाथरस में। पर साथियों, जिस तरीके से टिकटों की फेरा बदली हुई, बेचा हुई, जैसे कि जैसे सब्जी बेची जाती है उस तरीके से टिकटों को बेची गई, पूंजीपतियों को बेची गई, जब से अनुमान बिल्कुल खत्म हो गया और सबको लगने लगा कि बहुजन समाज पार्टी जनपद हाथरस में 0 भी नहीं ला पाएगी, एक टिकट भी नहीं, एक सीट भी नहीं निकल पाएगी जिला पंचायत के चुनाव में। ये सही है, जब साथियों क्षेत्र में जिस व्यक्ति की पहचान है उसको टिकट नहीं मिलेगी तो वोट तो उसी को मिलेगा, चाहे वो निर्दलीय लड़े चाहे और किसी पार्टी से लड़े, जब उसकी जो पहचान ही नहीं है उसको टिकट दी जाती है तो वो कहाँ से जीत जाएगा। साथ ही ये सवाल खड़ा होता है, ये जो ऑडियो वीडियो आपने देखी, ये मुख्य सेक्टर प्रभारी आगरा अलीगढ़ के मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं सूरज सिंह जाटव इनका नाम है, और कार्यकर्ता इनसे काफ़ी ज़्यादा खफा हैं, कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं, और हो सकता है अगर ये जनपद हाथरस में आए तो पता नहीं क्या कुछ बड़ा हो जाए। कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार चेतावनी ग्रुप में हमने देखा, व्हाट्सएप में देखा, कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार चेतावनी दी जाती है, और जनपद हाथरस में मुख्य सेक्टर प्रभारी आगरा अलीगढ़ के जो मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं सूरज सिंह ना आए तो बेहतर रहेगा। ये सब आप लगातार स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे हूँ, कोई भी शब्द हमने अपनी तरफ से नहीं दे बोला, हमने जो कुछ भी बोला प्रूफ के साथ बोला, कार्यकर्ताओं ने जो आरोप लगाए उसके साथ बोला। आप हमारी खबर पर क्या सोचते हो कमेंट में राय दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई व बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बी मिशन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूं बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।